तो दोस्तों, भारत के स्वदेशी हथियारों को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है और भारत सरकार की तरफ से भारत के स्वदेशी ATGS को खरीदने का जो ऑर्डर है वो आने वाले महीनों में दिया जाना है। दरअसल दोस्तों, अपना जो DRDO है उसने पिछले महीने भारत के स्वदेशी ATGS यानी एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण देश के भिन्न भिन्न इलाकों में कर लिया है। और दोस्तों, इस प्रकार की जो गन सिस्टम है वो किसी भी देश की थल सेना का एक प्राइमरी वेपन होती है और इसके बिना किसी भी देश की थल सेना को अधूरा माना जाता है। और दोस्तों, इसी क्षेत्र के अंतर्गत भारत पहले आत्मनिर्भर नहीं था, परंतु इसी साल के अप्रैल महीने में भारत के DRDO ने इसका सफल परीक्षण करके भारत को इस क्षेत्र के अंतर्गत आत्मनिर्भर बना दिया है। और अब भारत सरकार ने विदेशों से ATGS लेने की बजाय भारत के स्वदेशी इंडिजिनस एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम को खरीदने का निर्णय लिया है और इसका जो आदेश है वो भारत की स्वदेशी कंपनी भारत फोर्ज को अगले महीने तक मिल सकता है, जिसमें भारत फोर्ज ने कहा है कि हम परियार के हिसाब से पहले 100 आर्टिलरी गन भारतीय सेना को देंगे और आने वाले कुछ सालों के अंतर्गत 200 ATGS परियार के हिसाब से भारतीय सेना को डिलीवरी कर दी जाएगी और कुल मिलाकर भारत सरकार की तरफ से 1600 की संख्या में स्वदेशी ATGS को भारतीय सेना को प्रदान किया जाना है। और दोस्तों, इन सारी ATGS तोपों को देश के भिन्न भिन्न बॉर्डर वाले इलाकों में चीन और पाकिस्तान को तोड़ जवाब देने के लिए तैनात किया जाएगा। और इसकी खासियतों की बात करें तो इसके कैलिबर की साइज 155x52 mm की है, जो कि 48 किलोमीटर दूर से भी दुश्मन की खोपड़ी में छेद कर सकती है। और इस प्रकार से यह दुनिया की कुछ अत्याधुनिक ATGS गनों में से एक मानी जाती है, जिसको भारत के वैज्ञानिकों ने स्वदेशी तकनीक से बनाया है। खैर, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और भारत सरकार ने जो स्वदेशी ATGS खरीदने का फैसला लिया है वो क्या सही है, कमेंट बॉक्स में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।